नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अब ऐसा दौर चल पड़ा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की होड़सी लग गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के दावेदार कई हो गए हैं, लेकिन सही मायनों में अगर कहा जाए तो बुंदेलखंड टाइगर नाम से मशहूर लगातार 8 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले अपराजेय योद्धा पंडित गोपाल भार्गव सही मानों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ये दर्द उनका आज छलक पड़ा। गोपाल भार्गव ने सालों में अपनी इच्छा जाहिर कर दी मुख्यमंत्री बनने की। जी हाँ, वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल हम आपको बता दें, बड़े मंच से उन्होंने कहा कि इस बार किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया पार्टी द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री गोपाल भार्गव इशारों में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जता रहे हैं और ये वीडियो शुक्रवार रात का बताया जा रहा है। शुक्रवार को मंत्री गोपाल भार्गव रेहली में सिंहवासिनी देवी मंदिर पर रोप वे के भूमि पूजन करने के लिए पहुँचे थे। यहीं पर उन्होंने मंच से भाषण देते हुए ये बात कही है। मंच से भाषण देते वक्त मंत्री गोपाल भार्गव भावुक भी हो गए। उन्होंने इस चुनाव को अपना आखिरी विधानसभा चुनाव तक बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि एक बार चुनाव में आ जाओ और यही अंतिम चुनाव होगा। साथ ही मंत्री भार्गव ने इशारों में कहा कि इस बार एमपी में पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया और अगर गुरु की आज्ञा है तो हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से बात आई हो। कुल मिलाकर बीजेपी में मुख्यमंत्री दावेदारों की फेहरिस्त अब लंबी होती जा रही है, लेकिन सही मायनों में डिजर्व कैंडिडेट यही है जो कि लगातार 8 बार से अपराजेय है। इनको निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या बात है उन्होंने कही है। आपकी सरवाने में खारे सरवान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा तो गुरु जी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। अब जो भी गुरु आदेश है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कर सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और तो और सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में सरकार जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो हर चीज़ का मुहूर्त होता है और हो सकता है मेरी हस्तरेखा में, मेरे भाग्य रेखा में नहीं हो, लेकिन समय पता नहीं कब क्या क्या आता है। तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिषद से आपकी आवाज़ जो है वो निश्चित रूप से सफल हो जाए। तो भैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी बनूँ सब आपके लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि वृक्ष जो है